बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन फेज़ का वीक टू चल रहा है और वीक टू का आज हम टास्क टू कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर शेड्यूल ऑफ वीक टू और देखते हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। सो टुडे इज़ 19th of August 2020, डे इज़ वेडनेसडे। सो ओपन योर वर्क बुक पेज नंबर 6 और 7 और इन पेजेस पे जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो हैं व्हाट एम आई एंड कॉलम्स। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन योर वर्क बुक ऑफ साइंस पेज नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक करने से पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। डू यू नो वी यूज 200 मसल्स टू टेक वन स्टेप। एक कदम उठाने के लिए हम 200 मसल्स यूज करते हैं। सेकेंड इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज ओपन। ये नामुमकिन है कि आप जब स्नीजिंग पोजिशन में हो या जब आपको छींक आए तो आपकी आइज़ जो हैं वो ओपन रहें। ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है कि जैसे ही आपको स्नीजिंग पोजिशन पर होते हो तो आपकी आइज़ क्लोज हो जाती। अब ये क्वेश्चन इज़ कि आपको स्नीजिंग पोजिशन आपकी क्यों होती है, मीन्स आपको छींक क्यों आती है। सो स्टूडेंट्स, आपके नोज़ में कुछ डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं। जब इरिटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो आपको छींक आती है, और जैसे ही छींक आती है तो आपकी जो नोज़ है वो बिल्कुल क्लीन अप हो जाती है और जो डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी नोज़ से बाहर चले जाते हैं। तो वो डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल आपकी आइज़ में नहीं जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि आपकी आइज़ फौरन से क्लोज हो जाती हैं जैसे ही आपको छींक आती है। नाउ कम टू टॉपिक व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ आपको कह लें कि रिडल्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनको रीड आउट करना है और बताना है कि ये कौन सा बॉडी ऑर्गन है। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन यू ईट आई मिक्स योर फूड एंड डाइजेस्ट इट, व्हाट एम आई। जब आप खाते हैं तो मैं आपके फूड को मिक्स करता हूँ और उसको डाइजेस्ट करता हूँ, हज़म करता हूँ, मैं क्या हूँ। The answer to this question is stomach. The next one is I control all the body parts, what am I? मैं तमाम body के जो parts हैं, जिस्म के तमाम हिस्सों को control करता हूँ, मैं क्या हूँ। The answer to this question is brain. The third one is I make the structure of your body and give it a shape, what am I? मैं आपके जिस्म को एक shape देता हूँ, structure बनाता हूँ, मैं क्या हूँ। The answer to this question is skeleton. The next one, we are in pair and help you in breathing, what am I? मैं pair की form में हूँ, means set की form में होता हूँ और आपको सांस लेने में help करता हूँ, तो मैं क्या हूँ। The answer to this question is lungs. Now come to next page number 7. Match each body part to the correct system. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में आपको ऑर्गन सिस्टम दिए गए हैं। आपने रीड आउट करना है और जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको करेक्ट ऑर्गन सिस्टम के साथ मैच करना है। द फर्स्ट वन, मसल्स मैचेस विथ मस्कुलर सिस्टम, बोन्स मैचेस विथ स्केलेटन सिस्टम, आर्टरीज मैचेस विथ सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व्स मैचेस विद नर्वस सिस्टम, स्टमक मैचेस विद डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। नीट एंड क्लीन आप लोगों ने इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पर।